हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी विद हैप्पीनेस के इस नए वीडियो में। और आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है हमारा फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। देखिए आजकल मतलब लोगों से कहा जाता है कि भाई तुम्हारा दिमाग कम है, किसी का ज़्यादा है, या कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है। एक्चुअली ये बुद्धिमानी होती क्या है और क्या कोई वाकई में डंप होता है, क्या कोई वाकई में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, और क्या हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपनी अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई में कम होशियार है क्या वो ज़्यादा होशियार बन सकता है क्या। मतलब इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्रेन के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए ब्रेन के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है राइट ब्रेन और एक होता है लेफ्ट ब्रेन। अब देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि जो हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट होता है उसे चलाता है राइट ब्रेन और जो राइट पार्ट होता है उसे चलाता है लेफ्ट ब्रेन। चलिए ये तो हो गई एक नॉर्मल जानकारी, इसके बारे में मैं और बताता हूँ। देखिए मसल हमारे जो ब्रेन के मस्तिष्क के तंतु होते हैं जिन्हें टिश्यू बोलते हैं वो यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे ब्रेन के अंदर रहते हैं। और ब्रेन का आकार देखा होगा जैसे कि एक अखरोट का आकार होता है नट्स का, उसी तरीके से जो है ब्रेन का आकार होता है। अब मैं बताता हूँ कि राइट ब्रेन क्या करता है और लेफ्ट ब्रेन क्या करता है। सबसे पहले हम जानते हैं लेफ्ट ब्रेन के बारे में। देखिए लेफ्ट ब्रेन जो है बहुत ही लॉजिकल होता है, लॉजिक जो होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन के अंदर होते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन है बहुत ही रियलिस्टिक होता है, ठीक है, रियलिस्टिक, बहुत ही रियलिस्टिक होता है लेफ्ट ब्रेन, साइंटिफिक होता है, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो है जितने भी काम होते हैं वो इसकी तरह होते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें जितनी भी हम करते हैं वो इसी से ही होती हैं। फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है। अगर आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब होशियार है, मैथ में, प्रैक्टिकल में, साइंस में, लॉजिकल में, रीजनिंग में, तो उनका लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब राइट ब्रेन क्या है, राइट ब्रेन बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सोच लीजिए क्रिएटिव होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे जो क्रिएटिव चीज़ होती हैं वो राइट ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जितने भी हमारे कलाकार होते हैं वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं, वो जितनी भी आर्ट हैं वो राइट ब्रेन की ही हमारी देन है। राइट ब्रेन के बाद देखिए जो पोइट्री होती है, जितने हमारे कवि हैं वो भी राइट ब्रेन के ही धनी होते हैं। और जो हमारी ब्रेन की जो इमेजिनेशन पावर, देखा होगा जो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादातर इमेजिनेशन में खोए रहते हैं कि हमारी नौकरी मिलेगी, फिर ये होगा, फिर उसके बाद यहाँ पोस्टिंग मिलेगी, वो होगा, तो जितनी भी इमेजिनेशन है या डे ड्रीमिंग है वो इसके अंदर होती है, उसके लिए जिम्मेदार हमारा राइट ब्रेन है। उसके अलावा इसकी जो सबसे खासियत बात है कि इसके अंदर जो भी मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म्स। आज भी आपको याद होगा कि आपकी बचपन में कोई 5 से 6 साल की उम्र में कोई ऐसी घटना जो आपको अभी भी बहुत अच्छे से याद होगी, मगर जो लॉजिकल होता है, जैसे कि मान लीजिए आठवीं क्लास के अंदर आपने जो मैथ का सवाल लगाया होगा जिस चैप्टर में, हो सकता है आज वो ना लगा पाए, मगर लॉन्ग टर्म्स मतलब जो आपने राइट ब्रेन के अंदर कोई भी अगर स्टोरी आपने सुनी है, स्टोरी भी आपकी राइट ब्रेन के अंदर ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो भी फंक्शनिंग राइट ब्रेन की होती है वो हमें लॉन्ग टर्म्स की याद तक याद रहती है, और 98% तक आप ये समझ लीजिए कि इसकी चीज़ें हमें याद रहती हैं। मगर जो हमारी जो लेफ्ट ब्रेन की फंक्शनिंग है इसका आप ये समझ लीजिए 10 से 15% ही याद रहता है हमें जो भी हम करते हैं। मगर अब दिक्कत यह है कि हमें पता चलता नहीं है कि कब हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं कब लेफ्ट ब्रेन का। अगर सबको पता चल जाए तो राइट ब्रेन का ही यूज़ करने लगें, ठीक है ना। तो अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम लेफ्ट ब्रेन की जो चीज़ें हैं उन्हें राइट ब्रेन पे शिफ्ट कर सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, अपने जैसे कि इमेजिनेशन है, ठीक है। अब और इसमें फीलिंग्स भी ले सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी फीलिंग्स होती है ना, अब आप समझ लीजिए कि फीलिंग्स हैं जिसे आप एक तरीके से अपने कहते हैं ना कि हमारे हार्ट के अंदर किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या फीलिंग्स हैं, तो वो हार्ट में जैसे कुछ नहीं होता, हार्ट का काम तो सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है, वो हमारे राइट ब्रेन के अंदर ही स्टोरेज होती हैं। किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति प्यार है, वो सारा का सारा हमारा राइट ब्रेन के अंदर ही स्टोर रहता है।
तो बेसिकली अब हम इस चीज का पढ़ाई में कैसे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब पढ़ाई के लिए हम क्या करेंगे, जो अब देखिए जैसे कि आपको विजुलाइजेशन करना है, या फिर आपको जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको पढ़ना है विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है, विश्व युद्ध के बारे में। तो विश्व युद्ध के बारे में आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको इतना याद नहीं रहेगा जितना आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री मूवी। अगर आपने उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी देख ली तो ये बात तय है कि आपको उससे रिलेटेड उस मूवी में जितना भी देखा था 80 से 90% आपको याद रहने वाला है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कहो ना प्यार मूवी में अमरीश पुरी था, तो आप कहेंगे जी नहीं बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है, ये जो मूवी है ये हमारे पूरे राइट ब्रेन में है, और हमने जैसे ही सवाल किया 1 सेकंड के अंदर इस ब्रेन ने पूरी मूवी चला ली, और उसके अंदर उसे अमरीश पुरी नहीं ऋतिक रोशन मिला हर फ्रेम में। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्री मूवीज देखते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री मूवीज जरूर देखिए। दूसरी चीज है, अगर आपको कहीं से स्टोरी सुनने को मिल जाती है, स्टोरी खासकर ऐसे लोग जो कि उन्होंने उस घटना को देखा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी लगी थी, तो कई लोग ने इमरजेंसी अपनी आंखों से देखी है। अब जैसे हम लोगों के सामने क्या हुआ है, नोटबंदी हुई है, आज से 15 या 20 साल बाद या 25 साल बाद नोटबंदी का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, डिमोनेटाइजेशन का, और हमने उसका रियल देखा है। तो अगर जैसे इमरजेंसी जिसने देखी है, अगर हम उससे पूछते हैं तो वो हमें एक स्टोरी के टाइप में सुनाएगा, और वो स्टोरी हमें बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने ज्ञान को मतलब इस तरीके से एकत्रित करें कि वो लॉन्ग टर्म्स में चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसे रट्टा मार लिया और फिर उसके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद भूल गए। इसके अलावा देखिए, विजुलाइज कीजिए, जैसे कि मैं ये कहूँगा, अगर आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में, और आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो उसे देख के आइए, ठीक है, दिल्ली में जाकर उसे देख के आइए। आपने ताजमहल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे भारत पे भ्रमण पे निकल जाएं, मगर जितना पॉसिबल है उतना देखिए। अच्छा ठीक है, ताजमहल आप वैसे नहीं देख सकते, कुछ हो सकता है, ताजमहल तो आपने वैसे देखा होगा, एक नाम है बीबी का मकबरा, ठीक है, बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है, ये ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी थी। आज की तारीख में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ हम देखने नहीं जा सकते वो हम इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं आप उसे इंटरनेट पे देख लीजिए। मैं आपको 2 चैनल सजेस्ट करूंगा, एक है राज्यसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, और एक है लोकसभा टीवी। इन दोनों चैनलों पर डिबेट आती हैं, जो भी हमारे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जिन पे ज्यादातर जो देश के मुद्दे होते हैं, इन चैनलों पे न्यूज़ आती है, डिबेट होती है। अगर आप इस तरीके की डिबेट टीवी पर देखते हैं या अपने यूट्यूब पर देखते हैं, तो ये जो भी आपने इसमें सीखा है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो हमारा बेसिकली फोकस यही होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ते हैं वो लंबे समय तक कैसे याद रहे। इमेजिनेशन, देखिए आपको मैं एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में एक बहुत ही अच्छी घटना बताता हूँ। जब वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रोफेसर लगे, तब उनके जो डीन थे कॉलेज के, उन्होंने उनसे ये कहा कि बताइए कि आपकी लैब के लिए मुझे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है उनकी लिस्ट बना कर दे दीजिए। तो सिर्फ आइंस्टाइन जी ने क्या कहा कि मुझे एक पेन चाहिए, एक ब्लैक बोर्ड चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए लिखने के लिए, और एक डस्टबिन चाहिए। मतलब वो सारा का सारा डस्टबिन इसलिए बोले क्योंकि मैं गलतियां बहुत करता हूँ, इसलिए मुझे डस्टबिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पेपर फेंकने के लिए। तो वो सिर्फ ज्यादातर इमेजिनेशन से ही उन्होंने अपना किया है, मतलब प्रैक्टिकल लैब में वो मतलब उन्होंने इमेजिनेशन से ही प्रकाश की गति कितनी होती है, या वो कई बार उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवीज में पता चला है कि इमेजिनेशन से ही अपने आप को प्रकाश की गति से दौड़ाकर देखते थे कि ऐसा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो और देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज तक का सबसे तेज दिमाग माना गया है, उनके दिमाग का संरक्षण करके रखा गया है, आज भी उनके दिमाग पर प्रैक्टिकल किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति का दिमाग अपने समय से इतना आगे था। तो उसका बेसिक फंडा सिर्फ इमेजिनेशन था, उन्होंने अपने इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा हाई डिग्री पर ले गए थे कि सब चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो गई थी, चीज़ें लॉन्ग टर्म में चली गई थी, फीलिंग्स मतलब ये समझ लीजिए वो एक तरीके का पढ़ाई नहीं, फिर तो वो क्रिएटिव थे। आप एक आर्टिस्ट बन जाइए, जिस तरीके से कलाकार होता है अपनी
कला में बिल्कुल लीन हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप पढ़ाई करें बिल्कुल लीन हो जाए, आप एक कलाकार की तरह सोचिए, आप एक एक जैसे एग्जामिनर होता है जो पेपर सेट करने वाला होता है उसकी तरीके सोचिए कि अगर मेरे को पेपर सेट करना होगा तो मैं किस तरीके का पेपर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इमेजिनेशन हमें करनी है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि उसे लॉन्ग टर्म्स में कैसे ले जाएं, क्योंकि देखिए ये दोस्तों ये हाई स्कूल और इंटर का एग्ज़ाम नहीं है कि आज हमने रट्टा मारा और कल जाके लिख दिया और फिर उसके बाद भूल गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम होते हैं हमारे, वो हमारे करियर डिसाइड करते हैं, वो हमें नौकरी दिलाते हैं, उससे ही हमारा पूरा जीवन चलता है। तो इसलिए आप ये सोच लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म्स में कैसे, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ आज से कुछ साल पहले नहीं पता थी, और जब मैंने इस चीज़ को जाना कि इमेजिनेशन से ये सब हो सकता है और जो है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग से हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उसके बाद ही मैंने डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज़ देखना शुरू की, उसके बाद मुझे इतिहास काफ़ी लंबे समय तक याद रहने लगा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका नाम है कि इतिहास को रुचिकर कैसे बनाएं, क्योंकि इतिहास सबसे मतलब ये समझ लीजिए कि नीरस सब्जेक्ट होता है। उसमें मैंने मूवीज़ के नाम दिए हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज देखें जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म्स में वो चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके की पढ़ाई जो है क्रिएटिव माइंड वाली, ये हम अपने चैनल पर कराते रहेंगे, और इसी तरीके से रिलेट करके कि आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए कैसे याद हो, इस तरीके की और भी वीडियो हम इसी चैनल पर डालने वाले हैं। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मैं भी मोटिवेटेड रहूँगा। मैंने भी बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है, अपने जीवन से सीखा है, वो मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको देकर जाऊँ, ठीक है। तो आप भी मेरा सहयोग करते रहें, इस वीडियो को शेयर करें। देखिए जब व्यूज़ आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे जो काम कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका कुछ लोगों को मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। मगर जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरा मन भी दुखी होता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और जितना भी हेल्प हो सकती है, और अगर आपको कोई भी परेशानी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और ज़्यादा वीडियो के लिए जो है आप देखिए सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें, और जो हमारा जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाएं। उससे क्या होता है जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, और आने वाले समय में लाइव क्लासेस भी देने वाला हूँ तो वो बेल आइकन होगा तो आपको तुरंत अपडेट मिलेगा और आप तुरंत मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जो भी आपकी देखिए हमारा उद्देश्य है पढ़ाई तो आप लोगों को स्वयं ही करनी है कि मैं आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर सकूं, और कैसे जो है ये जो स्टूडेंट जीवन में जो अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं पढ़ाई करते समय, जो ताने सुनने पड़ते हैं, जब नौकरी निराशा आती है, तो ऐसे में कैसे उबरना है आपको, इन सब चीज़ों के लिए भी मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।